संवेदनशीलता में यही चीज़ है कि तुम अपने जीवन के बहुत से परिवर्तनों, बहुत से बदलावों को देखते हो। तो ये जो स्थिति है, ये भी एक हमारे शरीर, मन और चेतना के ऐसे सामंजस्य की, ऐसे हार्मोनाइज्ड पैटर्न की स्थिति है। जब तुम नींद और जागृत और स्वप्न, इनके बीच में कहीं फंक्शन कर रहे होते हो, और ये स्थिति बड़ी विजनरी स्थिति भी होती है, इसमें कई बार बहुत कुछ देखा जा सकना भी संभव होता है, ये अच्छा है। और अगर तुम ऐसे काम करते चले जाते हो तो तुमको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। अब जैसे यहाँ कोई बैठा है, तुम इस पर प्रयोग करके देख सकते हो, अपने घर में तुम इस पर प्रयोग करो और तुम्हें बहुत रोचक भी लगेगा। कोई आने वाला है, जब तुम्हारे यहाँ कोई आने वाला है तो सिद्धांततः वो जब सोचता है कि तुम्हारे यहाँ चलें, उस क्षण उसका एक हिस्सा, उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा तुम तक आ चुका है, तुम उसे महसूस कर सकते हो। तो जो लोग सेंसिटिव हैं, साइकिकली एक्टिव हैं, उनको लगने लग सकता है, और कई बार बिल्कुल स्पष्ट लग सकता है कि वो आने वाला है, तुम पहचान भी सकते हो। तुम ऊर्जाओं के पैटर्न के बीच में भेद कर सकते हो, जैसे यहाँ इतने लोग हैं, क्या तुम उनके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? अगर तुमको सब एक जैसे लगते हैं तो मुश्किल है, अगर तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो तुम ऊर्जाएं पहचान सकते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ से जाने वाला है, जैसे तुम्हारा कोई मित्र आया है, तुम उससे बातचीत करो, सब करो, उसके साथ बैठे रहो, लेकिन थोड़ा महसूस करना जारी रखो। अगर उसने अपने अंदर जाने का तय किया कि बस अब निकलते हैं, अभी तुमसे उसने कहा नहीं है, तो आम तौर से बस उसके विचार के साथ ही वो एब्सेंट होने लगता है। तुम महसूस कर सकते हो कि ये बैठा तो है लेकिन जा चुका है, वो चला गया, एम्प्टी हो गया। तो कई बार जब स्थिति का मैंने वर्णन किया पहले भी, तब इन चीज़ों पे बहुत प्रयोग किए मैंने, मैंने देखा कि व्यक्ति सामने है लेकिन वो चला गया, एम्प्टी हो गया। जो नहीं है वो आ गया, फुलफिल्ड हो गया, सारा जो वातावरण है भर गया। ये सब मोमेंट्स हैं चीज़ों के।